तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम संतनु और आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम खेलने जा रहे हैं एक हॉरर गेम जिसका नाम आप सभी को पता है, ग्रैनी। तो आज हम लोग ग्रैनी को खेलने जा रहे हैं। आज हम इस हाउस को एस्केप करने जा रहे हैं। तो आज हम एस्केप करने वाले हैं इस गेट से, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और मेरे को तो डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सब लोग। तो दोस्तों, तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जिसको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद मैं प्ले करता हूँ, तब तक तुम लोग सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। चलो, ऑप्शन मैंने डिफिकल्टली इजी रख दिया, क्वालिटी को हाई कर दिया और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। चलो कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया मैंने। तो कंटिन्यू के बाद यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है हमें। तो हमारा डे वन शुरू हो चुका है। चलो डे वन पे हम लोग क्या कर सकते हैं देखते हैं। पहले से तो मैं ये खटिया से उठ रहा हूँ। ये ग्रैनी का एक कमरा है। चलो इस कमरे के अंदर क्या है देखता हूँ, कुछ भी नहीं है। तो चलो कमरे के बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद गेम शुरू होने से पहले ही ग्रैनी ने हमको देख लिया। चलो जल्दी से छुप जाते हैं हम लोग, इस वाली गली के पास छुप जाते हैं इस वाली। तो हम अभी लोग यहाँ पर सेफ है। चलो यह वाली घर के अंदर क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर पड़ा है पार्टों पे शॉटगन। तो शॉटगन को हमको लेके जाना है नीचे की तरफ और कार की पास। तो चलो ग्रैनी यहाँ पर आ चुकी है, तो यहाँ पर जाना मुश्किल है। ओ, ग्रैनी देख लिया हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाली शॉटगन को यहाँ पर फेंकते, फेंक के साउंड कर दिया ताकि ग्रैनी यहाँ पर आ सके और हम आसानी से वहाँ चले जाएंगे। तो देखो ग्रैनी यहाँ पर नहीं है, ग्रैनी जा चुकी है वहाँ। तो हम लोग फटक से कार वाली कमरे के अंदर जाते हैं। चलो हम लोग जाते हैं कार वाली कमरे के अंदर और फटक से इसको लगा देते हैं। तो चलो हम लोग आ चुके हैं कार वाले कमरे के अंदर। तो यहाँ पर एक ग्रैनी को मारने के लिए एक ट्रैप करता हूँ। तो यहाँ पर कमरे में हम लोग इसको फेंक देते हैं। फेंक देने के बाद देखना इस आवाज़ को सुन के ग्रैनी यहाँ पर आने वाले हैं। तो हम लोग तब तक के लिए यहाँ पर छुप जाते हैं जैसे कि ग्रैनी हमें ना दिख पाएगा। तो चलो ग्रैनी का आवाज़ हमें पता चल गया, ग्रैनी आ रही है उस वाली कमरे के अंदर जाएगा। और तब तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये गेट बंद कर दो, और ये गेट बंद कर दिया तो इसको ऑन कर दिया। और ऑन क्यों नहीं हो रहा, ऑन हो गया। चलो यहाँ पर पड़ा है कटर। तो कटर को लेके हम लोग जाने वाले हैं गेट के पास, मेन गेट के पास। तो फटाफट से जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर कट कर देते हैं तार को। और इस बार जाते हैं हम इस गेट के पास। गेट के पास ये तार को कट दिया है मैंने। तो चलो किचन में देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ है। और किचन में बेडशीट है, तो बेडशीट हमें अभी के लिए चाहिए। तो बेडशीट को पहले तो यहाँ पर पड़ा है शॉटगन का बट, वो बहुत सही। तो चलो शॉटगन को लेके वहाँ पर लगा देते हैं फिर से जाके कमरे के बाहर, उस कार वाली कमरे के पास चलते हैं और यहाँ पर शॉटगन लगा देते हैं। तो चलो दोनों शॉटगन का पार्ट मिल गया और एक शॉटगन का पार्ट चाहिए और यहाँ पर पड़ा है ओपन की। चलो बहुत सही, ओपन की हमें मिल चुकी है। तो ओपन की को लेके जाते हैं पहले।
पेनकी को पहले यहाँ से जाके तो इधर जाके हम लोग ओपन को खुलते हैं। ओपन के अंदर हमें कॉस्बो मिलेगा और वो हमें चाहिए गानी को मारने के लिए। तो चलो हमें कॉस्बो मिल चुके हैं, तो पहले देखता हूँ कि इस वाले कमरे के अंदर क्या है। कुछ भी नहीं है ये वाले कमरे के अंदर। तो चलो यहाँ पर बुक पड़ा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चलो फिर से हम जाते हैं नीच वाले कमरे पे। तो यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। चलो बाट के पास क्या है हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ओ बहुत सही, यहाँ पर रिमोट कंट्रोल है। तो पहले बाट के पास क्या है? काउबिल, काउबिल हमको नहीं चाहिए। तो पहले हम लोग रिमोट कंट्रोल को उठा लेते हैं, देखते हैं कोई आने वाला तो नहीं। यहाँ पर क्या है देखते हैं। चलो तो पहले यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हैमर पड़ा है। चलो हैमर को हमें चाहिए मेन गेट को तोड़ने के लिए। तो बुक को हम यहाँ से जाके उस यहाँ पर फेंक देते हैं ताकि ग्रैनी यहाँ पर आ जाए और हम लोग आसानी से वहाँ चले जाएंगे। तो चलो ग्रैनी आ चुके हैं, तो हम लोग इधर से जाने वाले हैं। तो चलो जगह यहाँ पर ओपन की को उठा लेके फेंक देते हैं, जैसे ग्रैनी इधर आवाज़ सुन के आएगा और हम लोग उसको आसानी से मार देंगे। चलो क्रॉसबो उठा लेते हैं, क्रॉसबो को रिलोड कर लेते हैं और ग्रैनी का इंतज़ार करते हैं। चलो ग्रैनी आ चुकी है इधर और सही से निशाना लगा के हम लोग मार दिया ग्रैनी को। चलो बहुत सही, और ग्रैनी 2 मिनट्स के लिए मर चुका है। तो ग्रैनी 2 मिनट्स के लिए मर चुका है। 2 मिनट्स हमको बर्बाद नहीं करना, 2 मिनट्स हमको काम पे लगना है जल्दी से। फटाफट से देख लेता हूँ कहाँ पर क्या है। तो इस क्रॉसबो को हम इधर फेंकने वाले हैं, इधर फेंक दिया और वापस से जाते हैं रिमोट कंट्रोल को लेने। चलो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पीस अभी पेंटिंग पड़ा है, तो पेंटिंग का पीस पड़ा है यहाँ पर। चलो पहले पेंटिंग को लगा देते हैं, सही से लगा देते हैं पेंटिंग को, उसके बाद अगला काम करेंगे। चलो हमने पेंटिंग को लगा दिया, तो फिर से हम लोग जाते हैं उस रिमोट कंट्रोल को आने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आ चुका है कौवा के पास और रिमोट कंट्रोल ले लिया। तो चलो रिमोट कंट्रोल को लेके हम लोग जाते हैं गेट के पास। वहाँ पर हमको ये चाहिए, यूज़ करना पड़ेगा रिमोट कंट्रोल को। तो चलो यहाँ पर हम आ चुके हैं और इसको यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद यहाँ पर क्या क्या चीज़ है? यहाँ पर पीस ऑफ ए पेंटिंग पड़ा है, पहले पीस ऑफ ए पेंटिंग को लगा देते हैं। पीस ऑफ पेंटिंग लगाने से हमारा एक ही फ़ायदा है, हमारा डे बढ़ जाएगा और एक बोनस डे मिलेगा हमको। तो चलो कॉस्बो उठा लेते हैं, उठा के बाद ग्रैनी का इंतज़ार करता है और ग्रैनी आ गया और हमने निशाना लगा के यहाँ पर ग्रैनी को मार दिया। तो चलो फिर से ग्रैनी 2 मिनट्स के लिए मर गया और हम लोग यहाँ पर आके देखते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पर पड़ा है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखा था बर्ड सीट और यहाँ पर क्या क्या पड़ा है चेक कर लेते हैं हम लोग, वो तो नहीं लगेगा हमको। और यहाँ पर डब्बा के अंदर क्या है? इस डब्बा के अंदर कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। तो चलो हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्या पड़ा है देखते हैं। चलो यहाँ पर पड़ा है प्ले हाउस की, जो हमको नहीं चाहिए, चाहिए होगा
उस प्ले हाउस के अंदर क्या क्या चीज़ है हमको नहीं पता, तो चलो पहले बार्ट सिट को ये खिला देते हैं बार्ट को, और ये काउबिल लेके हमको प्ले हाउस के पास जाना होगा। चलो हम लोग जाएंगे प्ले हाउस के पास, और उसको जाने के बाद यहाँ पर चेक कर लेते हैं फिर से। ओ यहाँ पर हमको मिल चुकी है शॉर्ट पार्टों पे शॉटगन, शॉटगन का पार्ट हमें चाहिए तो पहले उसको उठा लेते हैं। चलो शॉटगन को रिलोड कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ है कि नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो चलो हम लोग पहले ग्रैनी को मार के उसके बाद शॉटगन को लेते जाएंगे। अरे ग्रैनी जल्दी आ जा, कितना वेट करूँगा तेरे लिए, जल्दी आ जा ग्रैनी। तो भाई लोग ग्रैनी आ चुकी है हमारे पास, ग्रैनी को हम मारने वाले हैं। आ जा ग्रैनी, आ जा आ जा आ जा। ए ग्रैनी को हम लोग मार चुके हैं, तो चलो फिर से ग्रैनी 2 मिनट्स के लिए मर चुका है, तो शॉटगन का पार्ट उठा लेते हैं और जल्दी से जाते हैं कार वाले कमरे के पास, और फटाक से शॉटगन को लगा देते हैं और रिलोड कर लेते हैं। तो हम लोग रिलोड कर लिया शॉटगन को, इसके बाद हम लोग जाने वाले मेन गेट के पास, इधर फेंक देते हैं शॉटगन को, और यहाँ पर प्रॉपर स्प्रे को लेके यहाँ पर फेंक देते हैं। स्प्रे को हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो पहले बुक को उठा लेते हैं हम लोग और उस वाली दादी माँ के पास जाते हैं। चलो उस वाले कमरे पे जाते हैं, पर इसको ऑन कर देते हैं। इस ऑन करने के बाद यहाँ पर गेट खुल चुकी है और इधर पर बुक को लगा देते हैं। चलो हमको एक ग्राउंड घूमना पड़ेगा। यहाँ पर क्या पड़ा है, यहाँ पर कार का इंजन है, कार का इंजन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग आज डोर स्किप करने वाले हैं, तो हमें डोर स्किप के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए होगा। तो पहले कॉस्मो को उठा लेते हैं और ग्रैनी का इंतज़ार करते हैं, चेक कर लेते हैं कहाँ कुछ पड़ा है कि नहीं। चलो यहाँ पर शोर कर देते हैं, और ग्रैनी शोर सुन के हमारे पास आ ही गया, फिर से ग्रैनी को हम मार देंगे। तो आ जा ग्रैनी, तेरा ही इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, चले आ चला आ, चले आ चले आ। तो फिर से निशाना लगा के ग्रैनी को मार दिया हम, फिर से ग्रैनी, अरे उठ जाना, तो चलो उठ गया। इसको लेके चलते हैं हम लोग ऊपर के साइड और यो इसको फेंक देते हैं। ओ नहीं लगा, निशाना नहीं लगा, तो कोई नहीं दूसरे बार ट्राई करते हैं। उठ जाना भाई, उठ जाना, चलो उठ गया। तो फिर से हम लोग निशाना लगाने वाले हैं, यार इस बार तो होना चाहिए, इस बार भी नहीं हुआ, इस बार भी निशाना चूक गया। तो फिर से उठाते हैं, चलो फिर से, अब तो होगा पक्का ही पक्का, अब होगा ही होगा, नहीं इधर इस बार भी नहीं हुआ, तो चलो हम लोग, कोई बात नहीं, हमारे पास बंदूक है, बंदूक को लेके जाते हैं, बंदूक से फटाफट से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम शूट करने वाले हैं, शूट कर दिया, चलो एक बार में ही गिर गया वो चीज़। तो फिर से हम एमओ को लोड कर लेते हैं शॉटगन को और वापस से इधर पर फेंक देते हैं। चलो फेंक दिया, और हम लोग इसको लेके स्क्रू ड्राइवर को लेके चलते हैं। चलो हम लोग जाने वाले हैं इधर से, इधर से जाने के बाद उसको उधर पर फेंक दिया और
और वापस से आएंगे क्रॉसबो को उठाने के लिए। चलो क्रॉसबो को उठा लिया, क्रॉसबो को लोड कर लिया और फिर से हम ग्रैनी का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। तो चलो ग्रैनी हमारे पास आ चुकी है, ग्रैनी को यहाँ पर ले आके हम लोग मारने वाले हैं। चलो ग्रैनी इधर पे आ चुकी है और निशाना लगा के मार दिया। चलो फिर से हम ग्रैनी को मार दिया 2 मिनट्स के लिए, तो इसको उठा लेते हैं फिर से। चलो उठा लिया, उठाने के बाद हम लोग इसको इधर पर फेंक देते हैं। नहीं इधर पर फेंक नहीं फेंकूँगा, इधर फेंकूँगा। चलो इसको इधर फेंक देते हैं, हमको ये फिर से ज़रूरत होने वाला है। तो स्क्रू ड्राइवर को लेके हम लोग इधर आ चुके हैं, इस वाली नट को खोल देते हैं और इस वाली नट को खोल देते हैं, देखते हैं इसके भीतर क्या है। पैडलॉक की, चलो सही बात, पैडलॉक की हमको मेन गेट के लिए चाहिए। तो चलो पैडलॉक को की को लेके हम लोग जाने वाले हैं मेन गेट के पास और इसको खोल देते हैं। तो चलो एक काम हो गया हमारा, फिर से शॉटगन को उठा लेते हैं। चलो शॉटगन को उठाने के बाद ग्रैनी का इंतज़ार करने वाले हैं। तो पहले इस पर आगे यहाँ पर आके चेक करने वाले हैं। चलो पहले इस काम को कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर आके, यहाँ पर शायद से हथौड़े पड़ा था। चलो हमको सही याद है हथौड़े हैं, यहाँ पर हैमर है। चलो हैमर को पहले हमको उठाना पड़ेगा, हैमर का ज़रूरत है हमें। चलो हमें निशाना लगाना होगा इस वाली के अंदर। चलो हमने सही निशाना लगा के इस कोट को ओपन कर लिया और हैमर को उठा लेते हैं। चलो और यहाँ पर इसको लेके यहाँ पर फेंक देते हैं। चलो यहाँ पर इसको एक्टिव कर लिया और हैमर को लेके चलेंगे हम लोग। तो हैमर को यहाँ पर फेंक देते हैं ताकि ग्रैनी इधर आए। चलो इसको लेके अरे भाई ये क्या हो गया भाई, ये हमारे साथ क्या हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते क्या। चलो सही हो गया, सब ठीक हो गया। चलो हैमर को वापस से उठा लेते हैं और चलो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, शोर शराबा कर देते हैं ताकि ग्रैनी इधर आए। 3 बार फेंकने के बाद ग्रैनी आ चुके हैं और क्रॉसबो को उठा लेते हैं हम लोग, रिलोड कर लेते हैं। तो रिलोड करने के बाद ग्रैनी को मार देते हैं हम फिर से। चलो ग्रैनी को मार दिया फिर से हम लोग और हैमर को उठा लेते हैं और ग्रैनी तो हमारे ऊपर ही पड़ गया। तो चलो यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। चलो हमारा ऑलरेडी 2 काम हो गया, गेट का मेन गेट का 2 काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलो हमार को लेके आने वाले हैं यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ है। और इसको उठा के हम लोग इस वाले छत के अंदर लगा देते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पड़ा है, यहाँ पर तो कार्ड किया है, बहुत सही कार्ड किया है यहाँ पर। चलो कार्ड की को उठा लेते हैं और हम लोग कार्ड की को यहाँ पर फेंक देते हैं नीचे की तरफ। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीछे भी पेंटिंग पड़ा है। चलो पेंटिंग को हम लोग लेके इधर जाते हैं, तो इधर फेंक देते हैं पेंटिंग को और फिर से हम लोग जाते हैं कार्ड की को लेने, बिकॉज कार की हमें चाहिए। यहाँ पर फेंक देते हैं, कार के डब्बा के अंदर कोई ना कोई तो चीज़ होगा। चलो हैमर को उठा लेते हैं, हैमर को भी यहाँ पर फेंक देते हैं और नीच वाले कमरे के अंदर जाते हैं। चलो चलो यहाँ पर फेंक देते हैं, देखते हैं कोई नहीं है। चलो हम लोग
फिर से ग्रैनी को मार दिया। चलो हैमर को उठा लेते हैं। यहाँ पर आके हैमर को फिर से इस्तेमाल करने वाले हम लोग, और यहाँ पर देखते हैं क्या पड़ा है हमारे लिए, क्या चीज़ है ये। यहाँ पर मीट पड़ा है। चलो सही बात, यहाँ पर मीट को हम फेंक देते हैं और पेंटिंग का पीस उठा के यहाँ पर लगा देते हैं। चलो हैमर को उठा लेते हैं और क्रॉसबो को लोड करके हम लोग ग्रैनी का इंतज़ार करते हैं। चलो ग्रैनी आ चुकी है और ग्रैनी को फिर से मारने वाले हैं हम लोग। तो ग्रैनी को मार दिया और वापस से जाते हैं इस कटर को लेने। कटर को उठा लेके हम लोग सेकेंड फ्लोर के पास जाएंगे और वहाँ पर पंखे के पास क्या है चलो देखते हैं। वहाँ पर तो कोई चीज़ हमने देखा है। चलो वहाँ पर क्या है, क्या है वो, कोई तो चीज़ है। चलो जाके देखते हैं। चलो तो हम लोग यहाँ पे आके इधर तार को काट देते हैं और यहाँ पर रेंच पड़ा है। तो यहाँ पर गेट ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है। चलो हम गेट को पहले खोल लेते हैं और यहाँ पर आके हमारे कटर को फेंक देते हैं और रेंच को, ये क्या वुडन स्टिक का हमको ज़रूरत नहीं है, फिर से हम इसको यहाँ पर फेंक देते हैं। वैसे रेंच को हमको ज़रूरत है कि नहीं तो तुम लोग कमेंट करके बताओ। रेंच का तो डोर एस्केप के लिए कोई नहीं चाहिए, डोर एस्केप के लिए नहीं चाहिए हमको रेंच। चलो हम लोग रेंच उठा के यहाँ पर कार्की को लेते हैं। कार्की को लेने के बाद चलो कार के पास जाते हैं और कार के डिब्बे में क्या है देखते हैं, कोई तो चीज़ होगा। यहाँ पर तरबूज पड़ा है। तो चलो तरबूज के भीतर तो कोई ना कोई चीज़ होगा, पहले वो देखते हैं। चलो तरबूज को लेके जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लगा देते हैं तरबूज को हम, और इसको ऑन कर देते हैं। चलो यहाँ पर क्या पड़ा है, प्लग पड़ा है, स्पार्क प्लग, तो ये हमको नहीं चाहिए। तो ग्रैनी इधर पे आ चुके हैं। चलो हम लोग इधर से जाएंगे, इस वाली खिड़की से बाहर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और ग्रैनी उधर पड़ा है। तो ग्रैनी हमको कुछ नहीं कर पाएगा। तो चलो यहाँ पर आके हम लोग हैमर को उठा लेते हैं और फेंक देते हैं इधर पर ताकि ग्रैनी इधर आ जाए, और इसको लोड कर देते हैं क्रॉसबो को और ग्रैनी का इंतज़ार करते हैं फिर से ग्रैनी को मारने के लिए। तो चलो ग्रैनी आ चुके हैं हमारे पास और ग्रैनी को मार देते हैं। चलो बहुत सही निशाना लगाया हमने और ग्रैनी वापस से 2 मिनट्स के लिए मर चुका है। चलो यहाँ पर शॉटगन को रिलोड कर लेते हैं। तो ग्रैनी फिर से आ चुके हैं हमारे पास और ग्रैनी को शॉटगन से मारने वाले हैं हम लोग। तो चलो बहुत सही, शॉटगन को मारने के बाद हमको ग्रैनी डेथ हो चुका है 2.5 मिनट्स के लिए। तो क्रॉसबो से हमारा ग्रैनी 2 मिनट्स के लिए मरते थे और बंदूक के गोली से 2.5 मिनट्स के लिए मरते हैं। चलो यहाँ पर क्या पड़ा था, यहाँ पर प्ले हाउस की, तो प्ले हाउस की को लेके हमको प्ले हाउस के पास जाना होगा। यहाँ पर आके प्ले हाउस को दरवाज़ा खोल देते हैं हम लोग। चलो खोल दिया, गेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर काउ बिल हमें चाहिए, तो काउ बिल कहाँ है ढूंढते हैं। चलो स्क्रूड्राइवर को लेके हम लोग पहले इधर फेंक देते हैं और ग्रैनी का इंतज़ार करते हैं फिर से। और ग्रैनी इधर आएगा फिर से हम लोग ग्रैनी को मार देंगे। जो ग्रैनी का इंतज़ार करते हैं, चलो और ग्रैनी आ चुके हैं और ग्रैनी को फिर से हम लोग मार दिया। चलो स्क्रू ड्राइवर को उठा लेते हैं
स्क्रू ड्राइवर को इधर फेंक देते हैं और हम लोग जाने वाले हैं स्पाइडर की को लेने। तो दादी माँ हमको स्पाइडर की दे दिया, तो चलो स्पाइडर की को लेके हम लोग जाएंगे स्पाइडर के पास। तो पहले चलो स्पाइडर की को यहाँ पर आके दरवाज़ा ओपन कर देते हैं। तो चलो यहाँ पर ये खुल चुका है और हमें चाहिए स्क्रू ड्राइवर। तो चलो स्क्रू ड्राइवर को पहले लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर को लेने के बाद चलो उधर से जाओ, उधर जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं स्पाइडर के पास। तो हमको सबसे ज़्यादा डर लगता है यहाँ पर, तो चलो हमको सावधानी से जाना पड़ेगा। चलो हम लोग जाते हैं इधर से जाते हैं, देख लेते हैं दरवाज़ा कहाँ कहाँ पे है। तो ये दरवाज़ा हमको और गाड़ी के पास लेके जाते हैं। यहाँ पर यहाँ पर स्पाइडर है। चलो स्पाइडर को जाने देते हैं, हम लोग यहाँ पर छुप के जाते हैं ताकि स्पाइडर हमें देख ले। और यहाँ पर पड़ा है कार बैटरी हमको नहीं चाहिए। चलो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर आके देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर उस वाली कमरे के पास जाते हैं, ये सुरंग, उसको क्या बोलते हैं हमको नहीं पता इसको क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। तो चलो, ओ भाई हमको स्पाइडर ने देख लिया। चलो चलो यहाँ पर छुप जाते हैं। चलो चलो, नहीं तो मार देगा वो हमको। हम तो अचानक से डर गए थे, हमको देख रहे हैं कैसे, देखो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। भाई चला जा स्पाइडर, हमको और एक चीज़ चाहिए, चला जा प्लीज़, हमको लेके जाने दे वो चीज़। तो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर छुप जाते हैं। चलो बाहर निकल के हम लोग फटाफट से जाने वाले हैं स्क्रू ड्राइवर को लेके। हम तो रास्ता भूल गए, कहाँ पर है वो। यहाँ पर स्पाइडर ने हमें देख लिया। चलो चलो हम लोग फटाफट से जाते हैं यहाँ पर मैं सही जगह पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर को लगा देते हैं। चलो यहाँ पर लगा देते हैं, इस वाली नट को खोलते हैं और नीचे के साइड दो नट है वो उसको खुलता है। तो चलो हमको यहाँ पर मास्टर की मिल चुके हैं, मास्टर की हमको चाहिए और मेन गेट के पास। तो इधर से कोई नहीं है, स्पाइडर तो नहीं है यहाँ पर। चलो हम लोग चले जाते हैं इस गुफा से बाहर। ओ हमारे सामने स्पाइडर निकल के आ गया। तो स्पाइडर वहाँ पर गए हैं, हम लोग इधर से निकल लेते हैं। तो चलो यहाँ पर एक रास्ता है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आ गए। तो चलो हम लोग मास्टर की को लेके यहाँ पर आ गया। तो पहले मास्टर की को लेके जाएंगे, यहाँ पर फेंक देते हैं ताकि ग्रैनी आ जाए इधर, और हमको ग्रैनी को मारना है और फिर स्किप करेंगे डोर से। चलो क्रॉसबो को डिलीट कर दिया और ग्रैनी देखो आ गया हमारे पास। चलो ग्रैनी को हमने मार दिया, बहुत सही। और मास्टर की को फिर से उठा के अरे चलना ग्रैनी हट, सामने से हट। तो चलो ग्रैनी को मार के हम लोग यहाँ पर स्किप करने वाले हैं। चलो हमारा ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है, सभी मैंने कर दिया और फाइनली हम लोग डोर एस्केप कर लिया। चलो इसी तो बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब। तो इसी बात पर हम लोग द एंड। चलो यहाँ पर हम लोग सपोर्ट सब्सक्राइब प्लीज़।